Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. Welcome viewers, this is Saurav from App Institute. In this video, we are going to show you what is the work of display inline property. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस चैप्टर में हमें CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ना है. हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का ब्लॉक वैल्यू पढ़ा था. आज हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इनलाइन वैल्यू पढ़ना है. तो प्रैक्टिकली अचीव करते हैं कि इनलाइन वैल्यू का उपयोग हम कहाँ करेंगे. ओके, जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, होम, गेम और वीडियो. तो ये वर्टिकल पोजीशन पे है. अगर आप चाहते हो कि ये जो गेम है इसके बगल से हो, ये जो वीडियो है वो इसके बगल से हो, यानी कि ये तीनों कंटेंट आप चाहते हो एक लाइन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नज़र आए, तो इन तीनों कंटेंट में आप पास करोगे डिस्प्ले इनलाइन वैल्यू. मीन्स अगर आप वर्ड्स को या किसी भी कंटेंट को एक लाइन में दिखाना चाहते हो तो उसके लिए डिस्प्ले में इनलाइन वैल्यू लगाओगे. आप ऐसा फ्लो एट लेफ्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें फ्लो एट लेफ्ट सिर्फ डब्बू के लिए है. अगर आप चाहते हो डब्बों को एक लाइन में दिखाना तो सारे डब्बों में आप पास करोगे फ्लो एट लेफ्ट, लेकिन आप चाहते हो टेक्स्ट या वर्ड को एक लाइन में दिखाना तो आप पास करोगे डिस्प्ले इन लाइन. क्लियर? अब मैं इसके बारे में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, आप मुझे फॉलो करें. जैसे मैंने H1 से राइट किया होम, ओके, और मैं H1 लॉक कर दे रहा हूँ. फिर मैंने राइट किया गेम और मैं H1 लॉक कर देता हूँ. फिर मैंने राइट किया वीडियो और मैं H1 को लॉक कर देता हूँ. क्लियर? जरा आप रन करके इसे चेक करें. यस, ये वर्टिकल दिख रहा है. हम मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल नज़र आए. इस तो सिंपली CSS के कोड को एक्टिवेट करने के लिए मैं हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल की बॉडी बनाऊंगा और स्टाइल की बॉडी में CSS के कोडिंग को राइट करूंगा. क्लियर? सो मैं सेलेक्ट करूंगा H1 को ताकि मैं H1 में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर सकूं. तो मैं लगा रहा हूं H1 में डिस्प्ले प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूंगा इनलाइन. तो इसका मतलब क्या होगा? जितने भी H1 मौजूद है हमारे पेज में सारे एक लाइन में दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी कि सारे का पोजीशन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. क्लियर? सिंपली आप इसको सेव करके रन करके चेक करें. यस, अब आप इस बात को जरा समझे. आप ऐसा करने के लिए फ्लो एट लेफ्ट का भी उपयोग कर सकते थे. क्लियर? अगर मैं फ्लो एट लेफ्ट हटा दूं तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, और मैं फ्लो एट लेफ्ट डालूं तो जैसा डिस्प्ले इनलाइन हमें दिखाया है ये वैसा ही दिखेगा. लेकिन जरा आप ध्यान दें, दोनों में अंतर है. आप गौर से इसे देख ले. आपने तीनों प्रॉपर्टी में फ्लो एट लेफ्ट पास किया है. फ्लो एट लेफ्ट में ना कोई मार्जिन और ना ही कोई पैडिंग होते हैं बाय डिफॉल्ट. इसलिए होम के बाद जो गेम आ रहा है वो होम से बिल्कुल ही सटा हुआ है. जो वीडियो आ रहा है वो भी गेम से बिल्कुल सटा हुआ है. मैं चाहता हूँ ये थोड़ा थोड़ा दूरी पे नज़र आए. तो पहला तरीका है, अगर मैं फ्लो एट से ही चाहता हूँ तो मुझे इसमें पास करना होगा मार्जिन 2 pixels, तभी ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग नज़र आएगा. क्लियर? लेकिन अगर मैं इस्तेमाल करूँ इसकी जगह पे, सपोज करें कि H1 के लिए मैंने कोई कोड नहीं किया, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखेगा. बट अगर मैं इस्तेमाल करूँ डिस्प्ले इनलाइन तो ये तो एक लाइन में नज़र आएगा ही, साथ ही साथ इनके बीच में थोड़े थोड़े
गैप्स भी होंगे, यानी कि डिस्प्ले इनलाइन में थोड़ा सा पैचिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अगर आपने फ्लोएट लेफ्ट किया तो उसमें ना पैचिंग ना ही मार्जिन होते हैं। मीन्स जिस कंटेंट को आप एक लाइन में दिखाना चाहते हो वो सारा कंटेंट एक दूसरे से बिल्कुल ही कंजस्टेड नज़र आएगा। क्लियर? सो गाइस, अगर ये वीडियोज आपको समझ में प्रॉब्लम्स आई हो तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज को देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगी। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to Web Institute and get the international education about computers and technical science.